आएगा जय हनुमान। बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अब बड़ी संख्या में जेईई मेन के एग्जाम को लेकर के जो कि अप्रैल में होने जा रहा है, बच्चों में कई तरह के कंफ्यूजन है। अगर हम कुछ टेक्निकलिटीज को देखें तो बोर्ड के एग्जाम में नंबर ऑफ द स्टूडेंट कहीं ज्यादा जेईई मेन के एग्जाम में बैठते, उस चीज को ऐसे समझे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 10th और 12th को मिलाकर के एक स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने के लिए बार बार एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना था, लेकिन जेईई मेन के एग्जाम में स्टूडेंट को एक ही बार एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने जाना है, जो कि ऑनलाइन है और कई शिफ्ट और कई स्लॉट में होने जा रहा है। बोर्ड के एग्जाम का डिसीजन भी बच्चों का गवर्नमेंट ने जो लिया है, पर्टिकुलर बच्चों के हेल्थ की प्रायोरिटी को ध्यान में लेते हुए लिया है। इसी तरीके से जेईई मेन के अप्रैल के एग्जाम भी बच्चों की हेल्थ की प्रायोरिटी को ध्यान में लेके गवर्नमेंट लेगी। दो तीन दिन के अंदर ये डिसीजन आ सकता है, क्योंकि 27 अप्रैल से जेईई मेन अप्रैल का एग्जाम होने जा रहा है और उससे 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड रिलीज होने ही है, अगर ये एग्जाम टाइम पे होता है तो। थोड़ा सा वेट करिए, दो तीन दिन के अंदर सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, या तो एडमिट कार्ड आ जाएगा या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आ जाएगा। लेकिन आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे आप पहले से ही अपनी पढ़ाई पे पूरे कॉन्सेंट्रेशन और फोकस से आप पढ़ाई में लगे हुए थे, उसी फोकस से आप लगी अपना एक दिन एक मिनट वेस्ट मत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। थैंक यू वेरी मच।